नमस्कार दोस्तों, हम लड़के जब कभी बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ क्रीम वगैरह लगा के जाते हैं हैंडसम दिखने के लिए। और नॉर्मली वो कॉमन क्रीम होती है, मतलब लड़कों के लिए भी होती है और लड़कियों के लिए भी होती है वो क्रीम। जैसे होम्योपैथिक में एक्यू प्लस है जो कि लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। तो हम कॉमन क्रीम लगा के जाते हैं, कॉमन क्रीम मतलब जो दोनों यूज़ कर सकें, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक क्रीम के बारे में बताऊंगा जो कि सिर्फ मर्दों के लिए है, मेंस के लिए है, लड़कों के लिए है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब कभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ क्रीम वगैरह लगा के जरूर जाते हैं। हमारे मम्मी पापा ने सिखाया था दोस्तों कि जब कभी घर से बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ पाउडर या क्रीम वगैरह थोड़ा सा मम्मी लगा दिया करती थी। जब छोटे थे हम तो नॉर्मली क्रीम वगैरह लगा के और फिर घर से बाहर भेजती थी। आपके मम्मी पापा भी यही करते होंगे शुरुआत में, और अब आपको आदत पड़ गई होगी कि आप कभी भी बाहर निकलते हैं तो क्रीम वगैरह लगा के निकलते हैं। और लड़कों के लिए दोस्तों आजकल तो मेंस क्रीम आने लगी है, लेकिन पहले जो है वो कॉमन क्रीम आती थी। और नॉर्मली अभी भी हम ज़्यादातर कॉमन क्रीम यूज़ करते हैं। जैसे होम्योपैथिक में मैं आपको बताता हूँ कि एक्यू प्लस यूज़ कर लीजिए या सौंदर्य क्रीम यूज़ कर लीजिए लड़कों के लिए भी। तो आज मैं आपको लड़कों की एक फेयरनेस क्रीम के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों ये है फेयरनेस क्रीम, सनी हर्बल की फेयरनेस क्रीम फॉर मेंस। और यहाँ पर एक लड़के का पूरा चेहरा बना हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा ऊपर सनी, नीचे लिखा हुआ है फेयरनेस क्रीम, और फिर उसके बाद फॉर मेंस, फिर उसके बाद ये एक लड़के का चेहरा बना हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एनरिच बाय, मतलब इसमें डला हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों आयुर्वेद में भी आता है और होम्योपैथी में भी आता है। उसके साथ इसमें डला हुआ है कैमोमिला, कैमोमिला भी आयुर्वेद में भी आता है और होम्योपैथिक में भी आता है। और उसके साथ इसमें विच हिल क्रीम डली हुई है। विच हिल एक कंपोनेंट होता है जो कि हेमामिलिस से बना हुआ है, हेमामिलिस मदर टिंचर इसमें डला हुआ है। और इसके साथ इसमें विटामिन ई भी डला हुआ है और विटामिन सी भी डला हुआ है। तो बहुत ही अच्छा फेयरनेस क्रीम है सनी हर्बल की तरफ से आता है। और बैक्सन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी दोस्तों इस सनी हर्बल फेयरनेस क्रीम को बनाती है। बैक्सन की ये एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि सनी नाम से आता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है, इसका कॉम्पोजिशन मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि कैसा है ये और कितना मेरे क्लिनिक से डेली ये बिकता है और कितने पेशेंट इससे मेरे क्लिनिक में संतुष्ट हैं और कितने पेशेंट ले जाते हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं इस फेयरनेस क्रीम के, जो कि सनी हर्बल का फेयरनेस क्रीम फॉर मेल्स आता है, फॉर मेंस आता है, मतलब आदमियों के लिए आता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कंपोनेंट डला हुआ है। तो दोस्तों इसमें डला हुआ है वाटर, मतलब पानी, उसके बाद इसमें डला हुआ है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और स्किन में नरिशमेंट, मतलब थोड़ा सा मुलायमपन ग्लिसरीन लाता है। उसके बाद इसमें एलोवेरा डला हुआ है दोस्तों। एलोवेरा आप सभी लोग जानते हैं कि डेड स्किन को निकालने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पिंपल्स वगैरह अगर आपको होते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और एक मेडिसिन इसमें डली हुई हेमामिलिस, और हेमामिलिस को विच हिल भी बोलते हैं। विच हिल में कंपोजिशन होता है कैलेंडुला, हेमामिलिस और बर्बेरिस एक्वाफोलियम। तो हालांकि इसमें विच हिल के आगे दोस्तों हेमामिलिस लिखा हुआ है कंपोजिशन में, तो इसमें हेमामिलिस मदर टिंचर डला हुआ है और हेमामिलिस मदर टिंचर स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर अगर आपको ओपन पोर्स हो तो हेमामिलिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और धीरे धीरे ये फेयरनेस भी लाती है और ग्लो भी लाती है चेहरे पे। तो हेमामिलिस इसमें डली हुई है, और उसके साथ इसमें कैमोमिला डला हुआ है। तो आपने बहुत सुना होगा कॉस्मेटिक ब्रांड में विथ कैमोमिला, विथ कैमोमिला। तो कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव होती है स्किन के लिए, खासकर फेस की स्किन के लिए। फेस की स्किन में ये ग्लोनेस लाती है, और जो आपके फेस में ड्राइनेस होती है, जो सूखापन होता है, जो रूखापन होता है, उसको ये ठीक करती है। और जो ऑयलीनेस होती है, मतलब जो ऑयली भी होता है, जिनका फेस ऑयली होता है और जिनका फेस ड्राई होता है, नॉर्मल लाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैमोमिला। तो जिनका फेस ऑयली है उनको, उसको भी नॉर्मल लाने में बहुत ही इफेक्टिव है, और जिनका फेस ड्राई है उसको भी नॉर्मल लाने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसमें कैमोमिला। तो दोस्तों ये है कॉम्पोजिशन इसका, और इसमें ये मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों अब चलते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको लगाना कैसे। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि इसको लगाना कैसे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश से धो लीजिएगा। मैं एक एडविन का फेस वॉश मैंने पहले बताया था, वो भी होम्योपैथी का है, तो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं फेस वॉश को। नहीं तो आपके पास जो भी
नॉर्मल फेस वॉश हो, पॉन्ड्स का हो, हिमालय का हो, जिसका भी फेस वॉश आपके घर पे रखा हो उससे आप अच्छे से चेहरा धो लीजिए। चेहरा जब हल्का सा सूख जाए धोने के बाद अच्छे से साफ़ कर लें, और उसके बाद जब चेहरा सूख जाए तो इसको आप सिंपल सा, मैं क्रीम निकाल के दिखाता हूँ, और इसको आप थोड़ी सी क्रीम इसकी ऐसी आती है, और इसको क्रीम पूरे आप चेहरे पे और गले पे भी लगा सकते हैं। तो गले के नीचे तक और चेहरे पे आप ये क्रीम लगा लें, और क्रीम लगाने के बाद आप सिंपली जेंटली इससे थोड़ा सा मसाज कर लें कि पूरा क्रीम जो है चेहरे पे अच्छे से इवनली लग जाए, बराबर बराबर पूरे चेहरे पे लग जाए, बस हो गया। फिर आप बाहर जा सकते हैं। आप तुरंत के लिए, इंस्टेंट फेयरनेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मतलब तुरंत आपको गोरापन आपके चेहरे में ला देगी, और उसके बाद आप बढ़िया बाहर जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये गोरापन भी लाती है, और साथ में इसमें लगाने से एकदम से चमकीलापन नहीं आता है दोस्तों, जो नॉर्मल फेयरनेस क्रीम में आता है, जिसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ हमने लगा लिया है और एकदम से लगने लगता है कि कुछ क्रीम लगाए हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमने कोई क्रीम या हमने कुछ लगा के रखा हुआ है, एक अच्छा सा फील आता है और थोड़ा सा ग्लोनेस आती है, तो एक हैंडसम लुक आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है मेंस के लिए, क्योंकि ये ग्लोनेस के साथ थोड़ा सा हैंडसम लुक देती है और एकदम से चमकीलापन नहीं देती। तो मेल्स में चमकीलापन नहीं चाहिए होता, एकदम से ऐसा नहीं चाहिए होता कि सफ़ेद सफ़ेद दिखे, ऐसा चाहिए होता है कि नॉर्मल सा दिखे और थोड़ा सा दोस्तों ऐसा लगे कि फ्रेशनेस है चेहरे पे। तो ये फ्रेशनेस लाती है आपके चेहरे में, हल्का ग्लो लाती है, और आप घर से बाहर जाएं तो इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। दोस्तों ये था फेयरनेस क्रीम को यूज़ करने का तरीका, और दोस्तों मेरे यहाँ काफ़ी ये बिकती है फेयरनेस क्रीम, डेली की इसकी सेल है, अप्रॉक्स 2 से 3 फेयरनेस क्रीम डेली जाती है। छोटा सा सिटी है फिर भी 2 से 3 फेयरनेस क्रीम अगर डेली यूज़ करते हैं लोग तो इसका मतलब है बहुत इफ़ेक्टिव है। और मैं पूछता रहता हूँ लोगों से तो वो ये बोलते हैं कि नॉर्मल जो हम क्रीम यूज़ करते थे पहले उससे ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और रेगुलरली यूज़ करने के बाद 1-2 पेशेंट ऐसा भी बोले कि उनका जो स्किन कलर है वो थोड़ा 1-2 टोन काफ़ी अच्छा यानी ग्लो करने लगा, और चेहरा थोड़ा सा गोरा भी हो गया है इसको लगाने के बाद। तो अगर आप दोस्तों इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपका चेहरा थोड़ा सा गोरा भी हो जाएगा धीरे 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 धीरे, 1-2-3-4 महीने में 1 टोन 2 टोन 3 टोन गोरा हो जाएगा आपका चेहरा। और आप नॉर्मली इसको बाहर लगा के जाएंगे तो आप अच्छे दिखेंगे। नॉर्मल घर पे ये फेयरनेस क्रीम रखिए घर पे नॉर्मली यूज़ करने के लिए, और बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कितने ग्राम की आती है और कितने रुपए की मिलेगी और कहाँ पर ये आपको मिलेगी, लास्ट में मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये 100 ग्राम की आती है, 100 ग्राम की ये एक ट्यूब, बड़ी काफ़ी बड़ी ट्यूब है, काफ़ी चौड़ी ट्यूब है, तो इसमें ये आपको मिलती है 100 ग्राम की। और अप्रॉक्स मैंने सिंगल हैंडली, मतलब एक आदमी अगर इसको यूज़ करता है तो अप्रॉक्स ये 2.5 से 3 महीने चल जाती है। चलिए दोस्तों अब इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग है इसकी 140 रुपये GST लगने के बाद, तो यहाँ पर अलग सा स्टिकर लग चुका है, बैक्सन कंपनी लगा चुकी है 140 रुपये, पहले 125 रुपये की आती है। दोस्तों ये सभी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी, खासकर बड़े होम्योपैथिक शॉप में, मतलब होलसेलर जो होते हैं उनके पास आपको ये ईजिली मिल जाएगी, और छोटे होम्योपैथिक शॉप में हो सकता है आपको मिले हो सकता है ना मिले, लेकिन बड़े होम्योपैथिक शॉप में आपको ईजिली मिल जाएगी। मैं यहाँ पर नीचे अगर लिंक मिल जाता है तो मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि होम्योपैथिक शॉप से लें, क्योंकि लिंक से अगर आप लेंगे तो आपको शिपिंग चार्जेस थोड़ा ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि होम्योपैथिक शॉप में मिल जाए, और होम्योपैथिक शॉप में अगर आप बड़े होम्योपैथिक शॉप में जाएंगे तो आराम से मिल जाएगी। जब मेरे यहाँ इतना छोटा होम्योपैथिक शॉप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें मैं रखता हूँ ये, तो आपको नॉर्मली मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में काफ़ी लोग देखते हैं, तो आपको नॉर्मली ये क्रीम मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी क्रीम है मेंस के लिए, लड़कों के लिए जो गोरा होना चाहते हैं और हैंडसम होना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी क्रीम है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड कॉस्मेटिक वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो या उसके बारे में जानना हो तो मेरे चैनल में उस बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं। मेरे चैनल में हर तरह की बीमारी की वीडियोज़ डली हुई हैं, तो आप वीडियोज़ देख के बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ आपके सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, मैसेज कर दीजिएगा नीचे कमेंट में जाके, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।